49, ठीक है, ये आ गया 1029। अब स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जीनियस लर्निंग पॉइंट में। तो इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं चैप्टर 7 स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट के पार्ट थर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। पार्ट थर्ड नहीं होगा, आई थिंक पार्ट फोर्थ होगा, क्योंकि पहले हमने बेसिक इंट्रो किया था जिसमें हमने स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट के फंडामेंटल्स को जाना था कि कैसे स्क्वायर स्क्वायर रूट निकालते हैं, कैसे क्यूब क्यूब रूट निकालते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, उसमें हमने बिल्कुल बेसिक चीज़ें की थी। फिर हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाया, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था, डेसिमल वाले क्वेश्चंस को, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चंस को, उसको आप लोग देख लेना। फिर उसके बाद हमने एंट्रेंस कॉर्नर किया था और इस वीडियो में हम लोग जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो पार्ट फोर होने वाला है हमारे चैप्टर 7 का, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है ये, ठीक है। आप लोगों ने अगर तीन वीडियो देख लिए हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके बता दो, सर मैंने पिछले तीनों वीडियो देख लिए और मुझे सब कुछ समझ में आया। और इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, इस वीडियो में टोटल 14 क्वेश्चंस है, तो हम सभी क्वेश्चंस को डीप में करने वाले हैं सॉल्व। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ 112 अपॉन में रूट अंदर 196 इंटू रूट अंदर 576 अपॉन में 12। तो मैंने आप लोगों को एक और चीज़ कहा था, एक होमवर्क दिया था, एक टास्क दिया था, ठीक है। टास्क क्या था कि 25 तक आप लोगों को स्क्वायर याद करने हैं। अगर आप लोगों ने स्क्वायर याद कर लिए हैं तो ये आपके लिए बहुत ही छोटी सी क्वेश्चन है, दाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, जो भी बोलते हो, आई डोंट नो। देखो 112, अब 196 किसका स्क्वायर है, 14 का स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। 196 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 14 ही आएगा। 576 का स्क्वायर रूट कितना आएगा, 24 आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कर लो 12 2 जो 24, ठीक है। देखो मैंने 12 से काट दिया, 12 1 जो 12 12 2 24। अब देखो ये दोनों इवन नंबर है तो इसको काट दिया, 2 7 जो 14, ठीक है। 7 से 112 को डिवाइड कर दो, देखो मैं डिवाइड करके बता रहा हूँ, 7 से 7 1 जा 7, 42, 7 6 जा 42। तो इसको सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा, 16, ठीक है। जब आप लोग इसको सॉल्व करोगे तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। इजी क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस ये फ्रैक्शनल फॉर्म में दे दिया। आप लोग ये समझ लो, अगर आपको फ्रैक्शन सॉल्व करना आता है तो आप इसे कर लोगे, बस इसमें एक्स्ट्रा क्या एड ऑन हुआ है, बस इसमें रूट यहाँ पे एड ऑन हो गया। इसको सॉल्व करने हमें पता है, हमने पिछले वीडियोज में सीख ही रखा है, तो यहाँ पे रख देंगे, डायरेक्ट हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। तो आप जो है वीडियो को सीक्वेंस में देखो, देखो मैं इसमें बताऊंगा अभी कि आप लोग जो है, कुछ बच्चों को वीडियो देखने का सही तरीका पता नहीं है, ठीक है, कैसे देखना है। तो चलो मैं एक मिनट बता ही देता हूँ कि आप लोगों को कैसे देखना है। पहले आपको क्या करना है, आप जैसे अभी हमारी वीडियो देख रहे हो तो नीचे आपको जो है जीनियस लर्निंग पॉइंट का नाम आ रहा होगा, टैग आ रहा होगा, आप उस पर जब क्लिक करोगे तो एक चैनल सा खुल के आ जाएगा जिसमें कुछ बैनर बने होंगे, जीनियस लर्निंग पॉइंट लिखा होगा, देखो दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है। जब आप उसको स्लाइड करोगे तो उसमें जो है वीडियोस, प्लेलिस्ट, ठीक है, कम्युनिटी, इन सब का ऑप्शन आता है। तो जब आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसमें आपको चैनल के वो दिख रहे होंगे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, इस टाइप के प्लेलिस्ट बनी हुई आ रही होगी, ठीक है। जो भी पहले आपको 7 आ रहा होगा या 6, जो भी, क्योंकि लास्ट के हिसाब से होता है, चैप्टर का आपके प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। जब आप चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको जो है पार्ट्स दिख जाएंगे, ठीक है, दिख भी रहा होगा आपको आई थिंक, ठीक है, आपको पार्ट्स दिख जाएंगे कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, पार्ट 4 है। तो जैसे आपको कोई भी वीडियो देखना हो तो चैप्टर 1 पे आप क्लिक करो, चैप्टर 1 के 4 पार्ट है, एक एक करके चारों पार्ट देख लो, चैप्टर 1 क्लियर। चैप्टर 2 पे क्लिक करो, चैप्टर 2 के एक एक करके सारे पार्ट देख लो, चैप्टर 2 भी क्लियर। ऐसे करके आपको एक एक चैप्टर, आप अपना एक एम बनाओ कि एक चैप्टर एक वीक में कंप्लीट कर देंगे, या अगर एक दिन में कर दो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है रूट अंदर 4096 की वैल्यू हमें दे रखी है 64। अब एक चीज़ देखना, इसमें ना मिसप्रिंट दे रखा है थोड़ा सा, इसमें देन द वैल्यू ऑफ, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, रूट अंदर 4096 प्लस रूट अंदर 0.4096 प्लस रूट अंदर 0.004096 प्लस रूट अंदर
0.12344 × 0, 4096। तो देखो इसमें ज़्यादा आपको पैनिक नहीं होना, इसमें एक मिसप्रिंट दे रखा है, आप लोग जो है इसको कर लेना, वरना फिर बाद में कहोगे कि सर इसका आंसर तो आ ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि ये जब मैं ऑनलाइन क्लास में जब मैं करवा रहा था तो मैंने देखा था इसमें मिसप्रिंट है, नहीं तो अगर आप ऐसे करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो बस, बट इसका आंसर जो है वो आएगा जो ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा फिर जो ऑप्शन में नहीं है, कोई बात नहीं इसको कर दे। तो इसको आप लोग क्या करोगे, इसमें बस थोड़ा सा फ्रैक्शन का पार्ट जुड़ गया, इसका पॉइंट हटा दो तो क्या हो जाएगा 4096/100। ठीक है, सिमिलरली इसका 4096/10,000, देखो पॉइंट के पास 4 डिजिट्स है, जब इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे क्या होगा, नीचे 40 ऐड ऑन हो जाएंगे प्लस 4096, देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 प्लस, यहाँ पे आ नहीं रहे तो मैं थोड़ा बड़ा बड़ा कर रहा हूँ, यहाँ पे ऊपर तो 4096 ही आएगा, नीचे कितने डिजिट्स आएंगे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 80 आएंगे उनके बाद, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो कैसे करना है, 4096 का हमारे पास स्क्वायर रूट गिवन है, हमें सॉल्व आउट करना ही नहीं है, पहले से ही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 64/10, 4096 का स्क्वायर रूट 64, यहाँ 20 है तो इसका स्क्वायर रूट 100 का 10 आ जाएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा, 64/40 है तो 20 आ जाएगा 100, इसका क्या आ जाएगा, 64/60 है तो 30 आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, प्लस 64/80 है तो 40 आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 6.4 + 0.64 + 0.064, सभी को आता होगा आई होप कन्वर्ट करना, नहीं आता आपको तो आपको डेसिमल वाला चैप्टर देखने की ज़रूरत है। वैसे अगर आप लोग कंटिन्यू सीक्वेंस में देख रहे हो मेरी वीडियोस तो किसी को कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। ठीक है, जो मैं चीज़ समझा रहा हूँ वो उसमें दिक्कत आपको आएगा ही नहीं, अगर आपने सारी वीडियो सीक्वेंस में देखी है तो 0064। अब देखो डेसिमल का ऐड करना भी मैंने आप लोगों को सिखाया है, कैसे ऐड करते हैं डेसिमल का ऐड, 6.4 0.64 0.064 0.0064, इसको हमें ऐड ऑन करना है। तो कैसे ऐड करना है, पॉइंट टू पॉइंट मैच करके लिखा जाता है, मैंने ये आपको कई बार बताया है डेसिमल वाले चैप्टर में कि जब भी हमें ऐसे कोई नंबर को ऐड करना है तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग मैच करते हैं, लेफ्ट साइड की डिजिट लेफ्ट साइड में, राइट साइड की डिजिट राइट साइड में। तो ऐड कर दो 4 6 4 10 का 0 कैरी लग गया 1, 6 4 10 11 का 1 कैरी लग गया 1, 6 4 10 11 का 1 कैरी लग गया 1, तो 7.1104 इसका आंसर हो गया, 7.1104। ठीक है, तो देखो इसमें 7.1104 क्या है, इसका थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, बहुत खूब, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वैसे आप लोगों को इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, एक शॉर्टकट ट्रिक भी मैं बताता हूँ, वैसे ही समझ में आ गया होगा, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी बताता हूँ कि इतना ज़्यादा ना लिखना पड़े। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, आप बस इजीली करते जाओगे। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, जैसे 4096 है तो 4096 का 64 मैंने यहाँ लिख दिया, पॉइंट के बाद देखो दो डिजिट है, तो दो डिजिट मतलब, दो डिजिट का मतलब नीचे आप दिमाग में ही सोच लो, दो डिजिट मतलब इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 20 आएगा, 20 जब उसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का 10 आएगा, 10 मतलब कि एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाना होगा, तो एक डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो, मतलब आपको ये देखना है पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो स्क्वायर रूट के बाद पॉइंट के बाद सिर्फ एक डिजिट बचेगा, 4096 का कितना होगा 64 ही रहेगा, पॉइंट के बाद चार डिजिट है तो मतलब जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो पॉइंट के बाद दो ही डिजिट बचेंगे, तो दो डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट लगा दो। ठीक है, इसका देख लो पॉइंट के बाद छः डिजिट है, जब इसका स्क्वायर रूट निकाल लोगे तो पॉइंट के बाद तीन डिजिट बचने चाहिए तो 0.064। ठीक है, यहाँ चार डिजिट आठ डिजिट है तो चार डिजिट बचने चाहिए 0.0064। ठीक है, इसको आप लोग फटाफट मतलब ये लिखे बिना भी आप डायरेक्ट यहाँ लिख के डायरेक्ट ऐड कर दो एक बार में। ठीक है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इतना हार्ड नहीं है, इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज करोगे हो जाएगा, इतने हार्ड नहीं है, बस कंडीशन क्या है कि आपको सभी वीडियोस सीक्वेंस में देखनी है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप लोग एक एक सारी वीडियोस मेरी देखते जाते हो तो आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो रही होगी। कुछ बच्चे मुझे कमेंट करते कि सर काफ़ी मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तो आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों के कमेंट सीन करता हूँ, रिप्लाई बैक भी देता हूँ। ठीक है, और जो मुझे अच्छे लगते हैं मैं उनको हार्ट भी देता हूँ।
ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। सिंप्लीफाई रूट अंदर 256 रूट अंदर 16 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16। ये तो बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, हार्ड है रूट आ गया मतलब हार्ड, ऐसे सोचते हो आप लोग? नहीं, हार्ड नहीं है। रूट अंदर 256 रूट अंदर 16 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 16, यही है, यही है। तो पिछली वीडियोज़ में मैंने आपको क्या बताया कि जब हम इसका रूट हटाते हैं तो यहाँ क्या आता है, स्क्वायर चला जाता है, तो इस साइड क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो आप अगर इसका रूट हटा दोगे तो ये क्या हो जाएगा, 256 रूट अंदर 16 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क है, तो मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 16 डिवाइड बाई क्वेश्चन मार्क को, 16 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क की जगह कुछ भी ले लो, एक्स ले सकते हैं हम ऐसे भी। अब जो है अगर कुछ चीज़ ऐसे लिखा हुआ है 16 डिवाइडेड बाई 2, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 16 अपॉन में 2, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 16 को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1 अपॉन 2 हो जाएगा, जब इसको वापस से सॉल्व करेंगे तो 16 अपॉन 2 हो जाएगा। तो बात तो बराबर, चाहे ऐसे लिख दूँ चाहे इसको डायरेक्टली अपॉन में लिख दूँ, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नो इश्यूज़। इक्वल टू 16 का स्क्वायर कर दोगे, क्योंकि मैंने यहाँ से रूट हटाया तो यहाँ स्क्वायर आ गया। तो ये देखो इसके साथ जब यहाँ पे कोई साइन ना लगा हो ना दो नंबर्स के बीच में, इट मीन्स डैट ये इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो देखो अब रूट अंदर 16 अपॉन एक्स, साथ में यहाँ 256 भी है, इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 256। अब देखो अगर मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है तो ये एक्स वाला टर्म तो ये है, तो विदाउट एक्स वाली चीज़ हमें दूसरी साइड ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी साइड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, इस साइड मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड कैसे जाएगा, डिवाइड में जाएगा, तो 256 डिवाइड बाई 256 तो कट गया, आया 1, ठीक है। इतना समझ में आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि डिवाइड में क्यों गया तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाला वीडियो देखने की ज़रूरत है। वैसे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है, दूसरी साइड अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो डिवाइड में जाता है। 256 यहाँ पहले से था, वो मैंने यहाँ लिखा है, और ये 256 डिवाइड में चला गया, तो ये कट के 1 आ गया। तो अब देखो फिर से मुझे इस रूट को हटाने की ज़रूरत, सॉरी फिर से मुझे इस रूट को हटाना है, तो क्या करेंगे, जो चीज़ हमने ऊपर किया था, यहाँ रूट हटाया था स्क्वायर किया था, यहाँ रूट हटाएंगे स्क्वायर कर देंगे, तो 16 अपॉन में एक्स इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है, सिंपल। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स, तो ये 1 इंटू एक्स एक्स ही होता है, तो एक्स इक्वल्स टू 16, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मुझे कमेंट करके बताना समझ में आ गया कि नहीं, और मेरे से पहले किसने कर दिया ये भी बताना मेरे को, ठीक है। आप लोगों का फीडबैक बहुत ज़रूरी है, काफ़ी इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं हमारे यूट्यूब चैनल को जो फॉलो करते हैं, जो मेरे से पहले भी कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पहले से ही पढ़ रखे हैं, सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ठीक है। मुझे ऐसे बच्चों की ज़रूरत है जो सेल्फ मोटिवेटेड हैं, ऐसे बच्चे ही नवोदय क्रैक करते हैं, ठीक है। आप सभी बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड ही हैं, क्योंकि जो मेरी वीडियो देख रहा है वो वैसा बच्चा होता नहीं है, क्योंकि जिसको खेलने वाला होता है वो तो अपने गेम्स की वीडियो देखेगा, मेरी वीडियो क्यों देखेगा। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सारे बच्चे सेल्फ मोटिवेटेड ही हैं, तो मैं तो ये समझता हूँ आप सभी इंटेलिजेंट हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर 8। अब देखो बोलोगे सर ये तो रूट अंदर 2 की पावर 8, स्क्वायर रूट का मतलब ये हुआ, लेकिन अब इसको कैसे करेंगे सॉल्व, इसको कैसे करेंगे सॉल्व, ये तो मुझे भी नहीं आता, कैसे करेंगे सॉल्व बताओ। चलो ट्राई करते हैं, रूट अंदर 2 की पावर 8 मींस 2 8 बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 times 2, 8 times है। अब पेयर बना लो, मैंने आप लोगों को बताया है बेसिक इंट्रो वाले में ही बताया था, स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज ऑल अबाउट ऑफ पेयर्स, कि जो भी हम इसमें करते हैं पेयर्स में करते हैं। अगर आप लोगों को ये चैप्टर डिफिकल्ट लग रहा है तो इट मींस डैट कि आपने बेसिक इंट्रो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, इंट्रेंस कॉर्नर नहीं देखा है, इसलिए आपको हार्ड लग रहा होगा। अदरवाइज अगर आपने देखा है तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट करके ये बताओगे इसका आंसर, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। तो क्या होगा, इसका पेयर बन गया, ये 2 बाहर आ गया, ये 2, ये 2, ये 2, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके आप लोग देख सकते हो, और एक और चीज़ आप लोगों से कंप्लेन है मेरी कि आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो और सब्सक्राइब भी नहीं करते हो, ठीक है। क्योंकि मेरे पास डेटा है, आता है कि अनसब्सक्राइब्ड लोग कितने ज़्यादा वॉच करते हैं, आप लोग देख लेते हो समझ में आता है, फिर भी सब्सक्राइब नहीं करते हो मेरे को, ठीक है।
तो सब्सक्राइब कर दिया करो, जिससे कि आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखो। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ दिखने में बहुत ईजी, वैसे दिखने में बहुत हार्ड क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत ईजी। क्या है? द वैल्यू ऑफ रूट अंदर 0.01। वैसे बताने की जरूरत है नहीं, आप लोग कर सकते हो, लेकिन मैं बताऊंगा। कुछ बच्चों को दिक्कत होती है, जो बच्चे नए नए आते हैं, ठीक है। 1.21 प्लस रूट अंदर 0.0009। तो इसको मैं शॉर्टकट मेथड से करना चाहूँगा, मैंने आप लोगों को बताया ही। 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1 ही होगा। देखो शॉर्टकट मेथड से अप्लाई करते हैं डायरेक्ट। अगर आपने ये वाला क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो उसी का शॉर्टकट मेथड यूज़ करने की कोशिश करते हैं। यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही आता है। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पॉइंट के बाद सिर्फ 1 डिजिट हो जाएगा स्क्वायर रूट निकलने के बाद, ठीक है। 91 है तो 91 का स्क्वायर रूट 9। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट निकलने के बाद पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही बच जाएगा, ठीक है। चाहे आप सॉल्व करके भी देख सकते हो, लेकिन ये बस शॉर्टकट मेथड है। 121 है, 121 का आता है 11। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर रूट निकलने के बाद सिर्फ 1 डिजिट ही बचेगा, ठीक है। 9 है तो 9 का आता है 3। पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट बचेगा तो 0.03 हो जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर सकते हो, 0.1, 0.9, ये तो हो गया 1.1, 0.03, तो कितना हो गया 3, 9, 1, 10, 1, 11 का 1 के लग गया 1, 2.13 यही आएगा, हाँ यही आएगा, ठीक है। 2.13 क्या आ गया आंसर? 2.13 देख लो, हाँ 2.13 फोर्थ ऑप्शन है इसका, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, इतने हार्ड क्वेश्चन है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मुझे बताना जरूर, ठीक है, क्योंकि आपके फीडबैक ही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जिससे कि आई कैन अपडेट माई टीचिंग स्टाइल। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 6? द स्क्वायर रूट ऑफ 6561 बाई मीन्स ऑफ फैक्टर्स इज 6561 को हमें करना है, 6561 का हमें स्क्वायर रूट बताना है। तो आपके पास तरीका क्या है? 6561 का स्क्वायर रूट निकाल लो। 6561 2 के पेयर्स बनाएंगे, जब यहाँ से 2 डिजिट से ज़्यादा डिजिट हो जाए 2 के पेयर बना लेंगे। 5 5 25 6 6 36 7 7 49 88 64 88 64, इससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। 2 बार यहाँ लिखा तो एक बार यहाँ लिखेंगे 161, ठीक है। 8 8 16 कितने से मल्टीप्लाई करें? 161 आए, बहुत सिंपल, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 161 आ जाएगा। देखो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे 161 ही आएगा, तो स्क्वायर रूट कितना आ गया 6561 का? 81, ठीक है। फाइनल आंसर 81। इजी क्वेश्चन था, इजी ही क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 7? द लीस्ट नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड टू 4931 टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या लिखा है कि ऐसा कौन सा नंबर है, ऐसा कितना नंबर है अगर हम उसको माइनस कर दें 4931 में से कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि इसमें से कितना माइनस कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको क्या करना है कि माइनस वाला क्वेश्चन आ जाए कि कितना माइनस कर दे किसमें से, 4931 में से, कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको लॉन्ग डिविजन मेथड या डिविजन मेथड से आपको स्क्वायर रूट फाइंड आउट करनी है। 7 7 जा 49, ये कट गया, बच गया 31। 7 7 14, अब देखो 14 में अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ज़्यादा हो जाता है, 141 हो जाता है, तो मतलब ये रिमाइंडर बच गया। हम इसको पॉइंट में सॉल्व नहीं कर रहे हैं, ये रिमाइंडर बच गया, जो रिमाइंडर होगा उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? देखो 4931 में से अगर मैं 31 माइनस कर दूंगा तो 4900 आएगा, 4900 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हम लोग इजिली ऐसे फाइंड आउट कर सकते कि इस नंबर में से कितना माइनस कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो कौन सा आंसर होगा? जो रिमाइंडर में जो बच रहा होगा वही आंसर होगा। तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि इस नंबर में से कितना माइनस करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आपको सिंपली पहले ये करना है, आपको पॉइंट में निकालना है, जहाँ पे एंड हो जाए, जहाँ रिमाइंडर बच जाए, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आपको उसका वो नहीं बताना है जब तक, अनलेस एंड अनटिल भी पूछा ना जाए कि उसका स्क्वायर रूट भी बताओ, तो आपको सिर्फ वही नंबर बताना है। तो 31 क्या था? इसका आंसर हो गया था, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता कि जो नंबर निकला है उसका स्क्वायर रूट भी बताओ, तो आपको क्या करना होता? 70 का आंसर होता, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर एट, सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेवन की तरह। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे। सेम क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवन था वही सेम क्वेश्चन नंबर एट है। ठीक है, डन। क्वेश्चन नंबर एट आप लोग करोगे, मैं क्वेश्चन नंबर नाइन करता हूं। क्या है क्वेश्चन नंबर नाइन? द स्मॉलेस्ट नंबर बाई विच 9408 मस्ट बी डिवाइडेड सो इट बिकम्स अ परफेक्ट स्क्वायर। कि 9408 में, 9408 में हम किससे डिवाइड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। जब भी हमें मल्टीप्लाई या डिवाइड का पूछा जाए, मल्टीप्लाई या डिवाइड का पूछा जाए, तो हम क्या फाइंड आउट करते हैं? प्राइम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, और सब्ट्रैक्ट पूछा जाए तो लॉन्ग डिवीजन करते हैं, और एडिशन पूछा जाए तो उसके जस्ट एक आगे वाला स्क्वायर देख। जैसे मान लो कि मैंने पूछा कि 79 में कितना ऐड कर दे कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो 79 के जस्ट बाद वाला स्क्वायर ढूंढो कौन सा होता है। तो 99 81 होता है, तो 81 में से 79 माइनस कर दो तो ये पता चलेगा 2। तो सब्ट्रैक्ट के लिए क्या करना होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड से, और मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इसमें हमें बताना है कि कितने से डिवाइड करें कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करो, 2 4 8 1 4 2 7 14 0 2 4 8 आता होगा आपको, नहीं आता होगा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स देख लेना। 2 2 6 1 0 2 5 10 2 2 4 2 9 18 4 8 2 1 2 2 4 2 9 18 4 8 2 1 2 2 4 8 2 7 14 7 4 12 2 7 13 2 7 7 7 4 9 7 7। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड निकाल चुके। अब देखते हैं किस किस के पेयर बन रहे हैं। इसके क्वेश्चन वैसे मैंने इंट्रेंस कॉर्नर में भी बताए थे। ठीक है, इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, इसका भी पेयर बन रहा है, तो अकेला कौन बच रहा है? ये 3, मतलब ये 3 एक्स्ट्रा है। तो अगर हमसे पूछा जाता कि इसमें कितने से मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो देखो 3 की कमी है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या है कि इसमें कितने से डिवाइड करें। देखो जो एक्स्ट्रा है उससे डिवाइड करना होगा। एक्स्ट्रा क्या है? ये 3। अगर इस 3 को मैं यहाँ से हटा दूँ, काट दूँ, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। देखो परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या होगा? 3 होगा। लेकिन अब 3 तो हो गया, अब इसके आगे और भी क्वेश्चन है। ऑल्सो द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर ऑब्टेंड, कि अब डिवाइड करने के बाद अब इसका स्क्वायर रूट बता दो। डिवाइड करने के बाद इसका स्क्वायर रूट बता दो। एक तो डिवाइड करने वाला ये आंसर हो गया, दो आंसर पूछ रहा है किससे डिवाइड करें? 3 से डिवाइड करें। अब डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट क्या होगा? देखो इसका पेयर में से एक एक ले लो, मल्टीप्लाई कर दो। 2 2 4 4 2 8 8 7 56। तो इसका आंसर वाला कौन सा वाला होगा? 3 और 56। ठीक है, 9th का आंसर 3 और 56। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। वैसे आप लोग 3 से ही आपका आंसर आया था। क्यों? क्योंकि बाकी 3 ऑप्शन के फर्स्ट वाला आंसर 4 है, 21 है, 42 है, लेकिन 3 सिर्फ पहले वाले में। तो पहले जो पूछा था 356, तो डायरेक्ट आप एक निकाल के बता सकते हो। इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप वीडियो बहुत लेट डालते हो। तो क्या करूं, वीडियो लेट डालना ही तो पड़ेगा। जब आप लोग वीडियो देखते ही नहीं हो, व्यूज़ आते ही नहीं है, तो मुझे लेट ही तो डालना पड़ेगा। मुझे लगता है बच्चे देखते ही नहीं है, ना आपका कोई रिस्पॉन्स आता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 5929 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन एन ऑडिटोरियम इन सच अ मैनर दैट देर आर एज मैनी स्टूडेंट्स इन अ रो एज देर आर रोज इन द ऑडिटोरियम। अब क्या कह रहा है? यही क्वेश्चन देखो कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कि जितने रोज है उतने ही बच्चे हैं, जितने रोज है उतने ही बच्चे हैं। ठीक है, तो क्या करना है? स्क्वायर रूट करना है। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट नहीं पता, तो ये भी मैंने पिछले वीडियोज में बताया, वैसे आप लोग देखते हो तो आपको पता ही हो। 5929 का डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट निकालेंगे, जितने रोज है उतने ही स्टूडेंट्स हैं। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग यही करते हैं। 7 7 49 7 7 49। ठीक है, ये आ गया 1029। अब इस 7 7 14, तो 14 में 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 49। क्यों? मुझे कैसे पता चला कि हाँ 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए? क्योंकि मैंने इसका यूनिट डिजिट देखा है 9। यूनिट डिजिट 9 कब आ सकता है? 3 3 9 या फिर 7 7 49। इसलिए मुझे पता चला कि यहाँ पे जो है 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, तो मे भी आ जाए। तो 7 7 49, 4 क्या है? 9 नीचे, 7 4 28 28 और 4 32। 7 7 और 3 10, कितनी टाइम्स में आ गया? 77। तो कितने रोज हैं? 77 रोज हैं और 77 ही स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
बहुत इजी क्वेश्चन था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन के बाद मुझे बताते भी जाओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं, एक एक करके बता दो, ठीक है। क्वेश्चन भाई क्वेश्चन भी बता सकते हो आप लोग। अब देखो एक क्वेश्चन है, क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, कि थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए सब क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्या है क्वेश्चन? अ जनरल अरेंजेस हिज सोल्जर्स इन रोज टू फॉर्म अ परफेक्ट स्क्वायर। एक जनरल है मतलब एक कमांडर है, उनके पास बहुत सारे सैनिक हैं, उनको क्या बनाना है, अरेंजेस हिज सोल्डर इन फॉर्म टू परफेक्ट स्क्वायर। उनको एक स्क्वायर की शेप में, मतलब कि जितने सोल्जर्स को आगे खड़े करेंगे, अगर मान लो पांच सोल्जर्स उन्होंने आगे खड़े किए तो पांच ही पीछे भी खड़े करने हैं, इन सबके पीछे पांच पांच ही होंगे, ठीक है। तो उनको एक स्क्वायर बनाना है, तो क्या कह रहा है, ही फाइंड डेट डूइंग सो 60 सोल्जर्स आर लेफ्ट आउट। उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि 60 जो सोल्जर्स हैं वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। उन्होंने फाइंड आउट कर लिया कि 60 सोल्जर्स एक्स्ट्रा है, इफ़ द टोटल नंबर ऑफ सोल्जर्स बी 8160। अगर टोटल सोल्जर्स 8160 है, ठीक है, तो द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच रो, तो बताओ नंबर ऑफ सोल्जर्स हर एक रो में कितने होंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, पहले आप लोग देख लो कि 8160 में से जनरल ने फाइंड आउट, क्योंकि 60 एक्स्ट्रा है तो 60 तो पहले माइनस कर दो, तो कितना हो गया 8100। इतने सोल्जर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर मतलब स्क्वायर में खड़े होंगे, तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, क्योंकि जितने सोल्जर्स आ गया उतने रोज में, तो 8100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 99 81 81, दो जीरो है तो एक जीरो यहाँ लग जाएगा, तो सोल्जर्स कितने होंगे, 90 सोल्जर्स खड़े होंगे और 90 ही इधर खड़े होंगे, तो 90 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 8100 हो जाएगा, तो कितने सोल्जर्स होंगे, 90, ठीक है। ईजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों को समझ में नहीं आता रहता, लेकिन जैसा मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड समझाया ना, सेम वही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, बस वहां पे स्क्वायर रूट था, यहां पे क्या है, क्यूब रूट है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पे क्या है, क्यूब रूट है। देखो क्यूब रूट क्या है, रूट अंदर 185 193, यहां क्यूब रूट है इसलिए छोटा सा 3, कुछ तो 57, ठीक है। तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्यूब रूट अंदर 185193। इसमें भी कहीं मिसप्रिंट है पॉइंट का, क्योंकि आंसर एक मिनट, मिसप्रिंट है कि नहीं है, नहीं इसमें नहीं होगा, शायद नहीं होगा, ठीक है। प्लस रूट अंदर, क्यूब रूट अंदर 185.193 प्लस क्यूब रूट अंदर कितने जीरोज हैं, 1 2 3, 0.1230 185193। आप लोगों को मैंने क्यूब रूट में बताया था कितने कितने के पेयर बनते हैं, 3 3 के। इसके देखो इसकी जगह तो हम डायरेक्ट रख देंगे 57 प्लस, ये देखो डिजिट सेम है 185193, तो इसका आ जाएगा 57। अब देखो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, क्यूब रूट में क्या होता है, 3 3 का पेयर बनता है, 3 3 का पेयर। तो अब आप दिमाग में सोचो 185193, जब इसका पॉइंट हटा दोगे तो नीचे 3 0 आएंगे, इसका क्यूब रूट हो जाएगा ये, तो नीचे 3 0 को हम लोग क्या देख सकते हैं, 10 × 10 × 10, तो डिवाइड में कितना बचेगा, 3 का एक पेयर बनता है तो 1 10 नीचे डिवाइड में बचेगा, तो 1 10 नीचे डिवाइड में बचेगा, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, इसलिए पॉइंट के बाद एक डिजिट लगा देंगे, सिंपल। प्लस इसका देखो सिंपल, इसका तो 57 हो जाएगा। अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है, 1 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं 1000 × 1000 × 1000, मतलब थाउजेंड्स का पेयर बनेगा, तो 3 पेयर से 1 बाहर आएगा तो 1000 बाहर जाएगा, जब 1000 बाहर आएगा तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, 1 2, तीसरा डिजिट है नहीं यहाँ लगा देंगे, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, इसको ऐड कर दो 57.0, क्योंकि ये 57 है, 5.7, 0.057, 7 यहाँ आ गया, 5 यहाँ आ गया, 7 यहाँ आ गया, 5 7 12 का 2, 62.757, क्या आ गया, 62.757। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, आपको मज़ा भी आ रहा होगा करने में, और
मुझे लगता है आप लोग पहले ही कर ले लोगे मेरे से, और कॉपी पेन लेके बैठते हो या नहीं ये भी मुझे बताया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोग लेके बैठते हो सॉल्व करते हो तो अच्छा लगता है, ठीक है, कि आप लोगों को समझ में आता है, और मुझे बताया भी करो कि आता है कि नहीं आता, ठीक है। चलो और क्वेश्चन देखते हैं। अब दो क्वेश्चन है, लास्ट वाला तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, वो वाला आप खुद से करना, ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से करोगे। ये जो लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ये मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 13 मैं बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 14 खुद से करना और आंसर मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 14 मैं पढ़ूंगा भी नहीं, आप लोग खुद से बताओगे क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 13 बताता हूँ, क्या है, रूट क्यूब रूट अंदर, या क्यूब रूट है 1 - 127/343। देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है ये, कि हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो ये फ्रैक्शन का है, ठीक है, फ्रैक्शन का है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, 1 - 127/343। ये फ्रैक्शन है, बेशक क्यूब रूट के अंदर दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है तो फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, ये 1/1 है, तो इस 1 और 343 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो क्या आएगा, 343 आएगा। तो इस 1 में हम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 343 के इक्वल हो, 343 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें लाइक फ्रैक्शंस बनाने हैं ना, तो 343 - 127/343। अब देखो 343 में से 127 माइनस कर दो, 13 में 7 गया 6, ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो क्या आ जाएगा, 216/343, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या जाएगा, क्यूब रूट अंदर 216/343। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि 216 का बात है, 216 का क्यूब मतलब 216 किसका क्यूब है, या फिर 216 का क्यूब रूट क्या होगा, 6 होगा, आप लोगों ने याद कर लिया होगा, मैंने 10 तक याद करने के लिए दिया था, 343 किसका है, 7 है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब आप लोग बोलोगे सर ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, सही बात है, ये तो ऑप्शन में है ही नहीं, क्या ऑप्शन में, ऑप्शन में 5/9 है, 5/9 के इसके बराबर है, नहीं है, ऑप्शन में 4/7 है, 4/7 के इसके बराबर है, नहीं है। आप 1 - 2/7 करके देखना, मैं 1 - 1/7 करके देखता हूँ, 1 - 1/7, इसको सॉल्व करके देखते हैं, इसका डिनोमीटर 1 है, 1/7 का एलसीएम कितना आएगा, 7 ही आएगा, तो 7 करने के लिए इसको 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो 7/7 - 1/7 क्या हो जाएगा, 6/7। तो देखो ये इसके इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या, इसका आंसर क्या है, 1 - 1/7, ठीक है, इसका आंसर ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे इसको निकालते हैं, बहुत ही ईजी तरीका था, इससे इजी तरीका मुझे नहीं लगता कोई और होगा। तो आई होप कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और अगर नहीं भी आया, कुछ दिक्कत आई तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। और जाने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक रुके हुए हैं, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं। ओके, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए।